नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, पैरामेडिकल स्टाफ और जो एमओ की भर्ती है वो यहाँ पर धौलपुर जिले में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सीएमएचओ धौलपुर को यहाँ पर लगभग 60 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। जिला कलेक्टर धौलपुर को निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने पत्र लिखकर यहाँ पर जो है नर्स पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सा अधिकारी के 60 पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर आदेश जारी किया है। मैं बता दूं, जो मानदेय है वो यहाँ पर एनएचएम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जिसमें मेडिकल ऑफिसर को लगभग 56,000 रुपए और पैरामेडिकल स्टाफ को, जिसमें जीएनएम है अगर, तो उसको 7,900 रुपए, और अगर एलटी है यानी कि लैब टेक्नीशियन है तो उसे 7,700 रुपए मानदेय दिया जाएगा। एनएचएम की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आदेश निकाला ये जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 22 अक्टूबर 2020 के माध्यम से जिला कलेक्टर धौलपुर को यहाँ पर पत्र लिखा है, जिसमें यूटीबी संविदा पर आधारित चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती किए जाने के संबंध में इन्होंने लिखा है। इन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 संक्रमण को पैंडेमिक घोषित करने तथा इसके संदर्भ में उत्पन्न स्थिति से निपटने के परिप्रेक्ष्य में विभाग के आदेश दिनांक 30 मार्च 2020 की पाना में राजकीय जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है धौलपुर के, इसके लिए 20 पैरा जो 20 है एमओ मेडिकल ऑफिसर और 40 पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें जीएनएम और लैब टेक्नीशियन आदि शामिल है, को विभाग के आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2014 और 9 नवंबर 2017 के अनुसार जो निर्धारित शर्तें हैं उस पर जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से यूटीबी आधार पर पूर्व निर्धारित दरों पर कोरोना वायरस के नियंत्रण तक भरे जाने की यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मैं बता दूं, यूटीबी आधार पर एमबीबीएस पीजी डिग्री होल्डर जो है वो यहाँ पर एमओ भर्ती के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा यूटी आधार पर जो पैरामेडिकल स्टाफ है जिसमें जीएनएम लैब टेक्नीशियन आदि को कोरोना वायरस के नियंत्रण तक एनएचएम द्वारा पूर्व निर्धारित मानदेय पर यहाँ पर रखा जाएगा। इसके अलावा यूटीबी आधार पर उक्त भर्ती में राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम 1963 तथा अधीनस्थ सेवा नियम 1965 तथा संशोधित जो सेवा नियम है उनकी यहाँ पर पालना सुनिश्चित की जाएगी, और जो भर्ती है वो COVID-19 के नियंत्रण तक ही यहाँ पर लागू रहेगी। अखिल अरोड़ा जो प्रमुख शासन सचिव है उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं, साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना। तो दोस्तों, यहाँ पर जिला कलेक्टर धौलपुर को निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर पत्र जारी किया है, जिसमें जो यूटीबी आधार पर संविदा आधारित जो भर्ती है इसमें 20 जो मेडिकल ऑफिसर चिकित्सा अधिकारी के पद और 40 पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें जीएनएम और लैब टेक्नीशियन शामिल है उसको भर्ती किए जाने की यहाँ पर मंजूरी दी है। मैं बता दूं, यहाँ पर जो रेमुनरेशन है वो मेडिकल ऑफिसर को लगभग 56,000 रुपए दे होगा और पैरामेडिकल स्टाफ में जीएनएम को 7,900 रुपए और लैब टेक्नीशियन को 7,700 रुपए दे होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब या सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कुछ कैंडिडेट एक सवाल पूछेंगे, मेरे को पता है यहाँ पर वीडियो के अंत में, कि सर अप्लाई कैसे करना है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले ये जो विज्ञापन है ये अभी जारी हुआ है, यहाँ पर जिला कलेक्टर धौलपुर को लिखा गया है। जिला कलेक्टर धौलपुर और सीएमएचओ द्वारा मिलकर जो स्थानीय लोकल न्यूज पेपर है उसमें एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा और उसके आधार पर ऑफलाइन जो फॉर्म है वो आपसे आमंत्रित किए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को